आपके जाने के बाद आपकी मॉम की किडनी से मैंने अपनी किडनी मैच करवाई थी और लकीली मैच कर गई। और मैं अपनी किडनी आपकी मॉम को डोनेट करना चाहती हूँ। क्या मुझे उस लड़की पर ट्रस्ट करना चाहिए? मेरा नंबर है ये, आपका जो भी फैसला होगा मुझे जरूर बता दीजिएगा। इतनी इंसल्ट के बाद वो ऐसा कैसे कर सकती? इसके पीछे जरूर कोई और मतलब होगा। लालची लोग हैं, मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सियाज का कभी-कभी ना सोच के मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे इंसान की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। क्यों भाभी ऐसा क्यों कह रही है? सच पूछ तो सुल्तान के बाद ना लगता था जिंदगी खत्म हो गई, बस यही काम रह गए कि अलिया का ख्याल रखना, लोगों के घर में काम करने, फिर उसकी शादी कर दूंगी, फिर बस अगली दुनिया जाने की तैयारी और फिर सुल्तान से मिलना। और आपको यहाँ मिल गए जाहिद भाई। सच बताऊं कभी कभार तो हैरान होती हूँ कि अल्लाह ने कैसे एकदम से जाहिद को मेरी जिंदगी में भेज दिया। मेरा ना दूसरी शादी से बड़ा दिल घबराता था, लेकिन जाहिद वाकई बहुत अच्छे इंसान। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और सुबह शाम अम्मा को दुआएं देती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। जाहिद भाई के मिलने पर बस अब जिंदगी में सुख है। पहले तो बस लोगों के घर में काम कर करके ही हलकान हो जाती थी, तो ऊपर का सुकून ही नसीब होता था। अब सुख भी है, अपना घर भी है, बच्चे हैं, हर नेमत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। एक बात तो बता, जैन से बात हुई? नहीं भाभी, उसका नंबर तो तभी ब्लॉक कर दिया था मैंने। शादीशुदा है वो, उसका चैप्टर तो तभी खत्म कर दिया था मैंने अपनी जिंदगी से। भूल है तेरी, तूने चैप्टर खत्म कर दिया होगा, उसने नहीं।